बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन भी विदेशी गाड़ियों के फेरे में फंस गए हैं। सीबीआई ने उनकी 11 गाड़ियां जब्त की हैं। सीबीआई कल एन श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट और उनके घर पहुंची, वहां खड़ी 11 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इन कारों की खरीदारी पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकाने का आरोप है। सीबीआई को पता लगा था कि इस मामले में आरोपी एलेक्स जोसेफ ने जो कारें विदेशों से मंगवाई थी उनमें से कुछ गाड़ियां एन श्रीनिवासन की कंपनी ने भी खरीदी थी। एन श्रीनिवासन के अलावा सीबीआई ने श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज के चांसलर और कई बिजनेसमैन के घर पर छापा मारकर 16 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। तमिलनाडु में विदेशी कारों के आयात का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसके चलते सरकार को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। स्टालिन के बेटे की हमर गाड़ी अभी तक सीबीआई ढूंढ नहीं पाई है। आशीष सिंह, इंडिया टीवी।